क्योंकि चिंटू को डायरेक्टर उनके डैडी मिले तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छी मूवी है। बिल्कुल भोजपुरी मसाला जो चाहिए हमारी ऑडियंस को वो है। गाने तो सब रॉकिंग है, काफ़ी अच्छे गाने हैं, सारे गाने अच्छे हैं। हाँ जो गाना मैंने किया है बहुत 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 खुशी की बात है। सबसे पहले अपने तमाम भोजपुरी दर्शकों को प्रदीप पांडे चिंटू का हार्दिक प्रणाम है और बहुत खुशी की बात है कि आज मेरी फिल्म जीना तेरी गली में बतौर मुख्य नायक के रूप में मैं इस फिल्म से लॉन्च हुआ हूं और मेरे भाइयों ने मेरे दर्शकों ने इतना प्यार दिया है मुझे, इतना सम्मान दिया है मुझे, इसके लिए तहे दिल से मेरे सारे दर्शकों का, सारे भाइयों का मैं अपना धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस फिल्म को इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई है। बिहार में ये 14वें सप्ते में है ये फिल्म और यूपी में इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए थे ओपनिंग से और हाउसफुल के। तो नेपाल में इस पिछले साल नागिन सब बहुत अच्छी कलेक्शन थे और इस साल उसके बाद सिर्फ जीना तेरी गली में के बहुत अच्छे कलेक्शन आए हैं। तो ये सब जितने भी बातें हैं ये दिल को बहुत खुशी महसूस कराती हैं क्योंकि जब सुनने में आता है कि फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई है, लोगों ने बहुत पसंद किया है तो बहुत बहुत खुशी की बात होती है और इसका सारा श्रेय दूंगा हमारे सभी दर्शकों का और हमारे निर्देशक श्री राजकुमार और पांडे जी का जिन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ इस फिल्म को प्रेजेंट किया है, हम सबको प्रेजेंट किया है। हम सब कलाकारों को उन्होंने एक एक बारीकियाँ समझाई है कि आपको कैसे परफॉर्म करना है, कैसे नहीं करना है। तो इस मेरे पूरे जीना तेरी गली में के जितने भी टीम, पूरी यूनिट को, जितने भी लोग टेक्नीशियन भाई, मेरे स्पॉट बॉय, मेकअप दादा, जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस फिल्म को इतना खूबसूरत बनाने में अपना अपना योगदान दिया है। और यही कहूँगा कि आप लोग फिल्में मेरी ज़रूर देखते रहिए और हमेशा देखते रहिए। अब दरअसल मैं समझ नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक जैसे कहा जाए कि एक अगर एक सोलो हीरो आता है, एक मुख्य हीरो आता है तो उसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि उसे पूरी फिल्म अपने कंधों पर संभाल के चलना होता है। आपको पूरे दर्शकों को आपको एंटरटेन करना होता है कि कहीं दर्शक आपके बातों को कोई बुरा ना माने या कहीं उठ के ना चले जाए, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है। बस यही इसी से थोड़े घबराहट थी अंदर, थोड़ी नर्वसनेस थी कि दर्शक मुझे अपने इस चिंटू को, अपने लाडले भाई को एक्सेप्ट किस तरीके से करेंगे, कितना करेंगे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस था, एक भरोसा था मेरे दर्शकों पर जिन्होंने हमेशा से मेरी फिल्मों को प्यार देते आए हैं, हमेशा मेरी फिल्मों को, मेरी पहली फिल्म दीवाना थी जो बहुत बड़ी हिट थी, उसके बाद मैं लीड में आया देवरा बड़ा सतावेला जो फिल्म सिल्वर जुबली थी, उस फिल्म को लोगों ने सिल्वर जुबली बनाई, इतने बार देखा कि वो फिल्म सिल्वर जुबली हो गई। तो मुझे एक कहीं ना कहीं अपने आप में भरोसा था, एक कॉन्फिडेंस था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि फिल्म बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छी जाएगी क्योंकि दर्शकों ने हमेशा मुझे पसंद किया है, कभी मुझे नकारा नहीं है। तो मुझे अंदर से एक आत्मविश्वास था कि ज़रूर बहुत बड़ी सक्सेस होगी। सारी पब्लिक बोल रही है कि इस फिल्म के गाने सभी हिट जी, आपको कौन सा गाना है सबसे अच्छा? अब देखा जाए तो मुझे 12 के 12 गाने हर एक अपने फ्लेवर के बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जब गाने सुनता हूँ तो सब गाने एक एक करके सुनते रहता हूँ और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट और सबसे बड़ी खास की बात यह इस फिल्म के संगीत से कि इस फिल्म का संगीत पहली बार राजकुमार और पांडे जी ने दिया है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम भोजपुरी फिल्म में अपना म्यूजिक डायरेक्शन दिया है, म्यूजिक बनाया है। और उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने पहली बार संगीत दिया है और वही गाने आज सबके सर चढ़ बोल रहे हैं, सबके जबान पर चढ़े हुए हैं, सभी लोग इस गाने को बहुत झूमते हुए गाते हैं, यूपी बिहार में डीजे पे बजते हैं, शादी विवाह में सब बजते हैं, सब लोग झूम कर इस फिल्म के गानों का आनंद लेते हैं। तो बहुत बढ़िया लगता है और हर एक गाने मेरे पसंदीदा है, मैं हर एक गाने सुनता हूँ। कुछ गाने करवा चौथ के जो हमारे माताओं बहनों के लिए, कुछ गाने हमारे भाइयों के लिए जो फ्रूटी वाला जा झार के मिसेर जी, तो ये सब जो भी गाने हैं ये हर एक अपने हर एक कैटेगरी हर एक लेवल के लोगों के लिए है, उन सभी के लिए है कि आपके मन पसंदीदा, आपको जो पसंद है, हर एक के पसंद के लिए हर एक गाने हैं। आप इस फिल्म में शायरी भी बोलते हैं राजा जी, एक शायरी दर्शकों के लिए हो जाए। आप मैं अपने दर्शकों के लिए यही कहूँगा कि हम तो बदनाम हुए जमाने में, आपको बरसों लग जाएंगे इस चिंटुआ को भुलाने में। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जीना तेरी गली में जितने लोगों ने नहीं देखा है जरूर देखिए, बार बार देखिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको फिल्म जरूर अच्छी लगेगी। दर्शकों से यही कहूँगा कि हमेशा ये प्यार, ये सम्मान अपने इस चिंटू के लिए, इस लाडले भाई के लिए हमेशा बनाए रखिएगा, कभी अपने इस चिंटू को निराश मत करिएगा, मेरी सारी फिल्में हमेशा देखते रहिएगा और मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि अच्छी से अच्छी फिल्में आप सबको देता रहूँगा। प्रणाम। Yeah.
बहुत अच्छा लग रहा है। और इस वक्त जो भी चैनल ये देख रहे होंगे राजकुमार और पांडे का, उनको तहे दिल से प्रणाम और नमस्कार। और जब एक सिनेमा मतलब दूसरे प्रांत में इतना बड़ा हिट रहा हो और ख़ासतौर से बॉम्बे में रिलीज़ हो और बॉम्बे में इस कदर उसका रिस्पॉन्स हो, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री यहाँ पर है, सारे लोग यहाँ पर होते हैं और उनके बीच, खासतौर सिनेमा परिवार के बीच जब सिनेमा चलता है तो उसमें ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल मिलता है और एक सम्मान की दृष्टि से भी बहुत अच्छा होता है। जब चिंटू को मैं लेकर आया था पहली बार दीवाना में, जिसमें दिनेश लाल यादव पाकी हेगड़े, उसके बाद देवरा बड़ा सतावेला और ट्रक ड्राइवर सौगन गंगा मैया के, मैं नागिन तू नगीना और सास सहेलियाँ वगैरह में, तो तब वो थोड़ा छोटा था। देवरा बड़ा सतावेला में उसने एकदम ही मतलब 15-16 साल का लड़का, उसके अंदर जो उसका एक प्योरली टीनेज रोमांस जब चलता था तो लोगों ने उसको बहुत लाइक किया। और कहीं ना कहीं उस ट्रैक का बहुत बड़ा हाथ था, जिसमें जिस ट्रैक को चिंटू प्ले किया था, और उसकी वजह से फिल्म 32 हफ्ते बिहार में, यूपी में और बॉम्बे में चली थी, तो वो फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक टीनेज ड्रामा को फिर से प्ले किया जाए, और चूंकि चिंटू अभी छोटा है, 20 साल का भी हो रहा है, तो हम मुझे लगा कि 20 साल वाला जो एज की कहानी है उसको बना ली जाए। और मैंने बनाया, और बनाते वक्त थोड़ा लग रहा था कि शायद रिस्क हो, लेकिन मैं बहुत गर्व करता हूँ हमारे दर्शकों पर, जिन्होंने फिर से राजकुमार पांडे को एक मुकाम दिया, एक नाम दिया, और ये लोगों को बता दिया कि अगर मैंने कुछ अच्छा सोचा है तो हमारे दर्शक भी उसको पसंद करते हैं और मेरा सपोर्ट हमेशा करते हैं, साथ देते हैं। मेरे फेवरेट गाने तो बहुत सारे हैं, और चूंकि मैंने सभी गाने बनाए और पहली बार मैंने एज म्यूजिक डायरेक्टर इसमें काम किया है, कुछ गाने मैंने लिखे हैं इसके अंदर, तो एक माँ और बाप के लिए उसका हर बच्चा प्यारा होता है, लेकिन मुझे 2-3 गाने जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, खासतौर जो मेरा टेस्ट है रोमांस वाला, वो एक गाना है इसके अंदर के, ना ही पातर ना ही मोट, ना ही लम्हारी ना ही छोट, देखा पुलवानी अने सुकवार बाड़ी हो, हमारी रानी बड़ा रसदार बाड़ी हो, ए हमारी रानी बड़ा रसदार बाड़ी हो। खासतौर वो लाइन जब मैंने पहली बार सुबह सुबह उठ के सोचा था, मैं चाय पी रहा था और मेरी वाइफ ना इधर से उधर बार बार जा रही थी, तो एक होता है कि क्या फीलिंग्स, क्या लाइन मतलब दिमाग में आ जाए, तो इसका मुखड़ा लिखा गया था, अंतरा बाकी था, तो मैं ऐसी मस्ती में उनको बोला कि बड़ा मतलब अलग लग रही हो, तो वो हंस के अंदर चली गई। पूजा बोले कि क्या ऐसे, उसमें मैंने एक लाइन वहाँ सोचा, वो लाइन के, सुघर सलोना तोहार सुनर रूप हो, चेहरा बुझाला जैसे जारा के धूप, हमरे दिलवा के चैना करार बाड़ी हो, हमारी रानी बड़ा रसदार बाड़ी हो, ए हमारी रानी बड़ा रसदार बाड़ी हो। वो गाना इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि जितने हमारे दर्शक हैं, खासतौर युवा, उनके मोबाइल में मिलता है, और जब मैं कहीं अभी जा रहा हूँ तो मुझे सुनाते हैं कि सर वो वाला गाना बहुत अच्छा, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है, और मेरा टेस्ट दर्शकों का टेस्ट बना रहे तब तक मैं सिनेमा बनाता रहूँगा, बस यही है। थैंक यू, धन्यवाद। अभी आ रही मेरी फिल्म देवरा भैल दीवाना, जो अगेन एक बार फिर से म्यूजिकल होगी, धमाकेदार, जिसके अंदर फिर से प्रदीप पांडे, चिंटू और मनोज तिवारी बड़े भाई की भूमिका में होंगे, पाकी हेगड़े भौजाई की भूमिका में होंगी, और फिर से बहुत सारे लोग और सिनेमा के जुड़ेंगे। फुल्ली इंटरटेनर फिल्म होगी जो दर्शकों को हमेशा मज़ा दिलाएगी और अच्छा लगेगा। थैंक यू।